महाराष्ट्र की सियासत शरद पवार के बिना अधूरी है, लेकिन आजकल महाराष्ट्र का मिजाज कुछ अलग नजर आ रहा है। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला तेज हो गया है। सावन शुरू हो चुका है, वहीं आज सियासत में भी बड़ी हलचल देखने को मिली। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच मुलाकात सुर्खियों में रही। सूत्रों के हवाले से कहा गया कि ये मुलाकात जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर थी, लेकिन सीएम शिंदे से मुलाकात के बाद आज सीनियर पवार बाहर निकले तो उनकी चुप्पी ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक मुंबई के मालाबार हिल इलाके में राज्य सरकार के गेस्ट हाउस सुहाद्री में हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच करीब एक घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में करीब 20 मिनट तक मराठा आरक्षण को लेकर बातचीत होती रही। इस अहम मीटिंग पर सिर्फ शरद पवार ने ही चुप्पी नहीं साधी, बल्कि बुजुर्ग नेता की सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने भी चुप्पी साध ली है। कांग्रेस का कहना है कि अब इस मुलाकात पर क्या कहा जाए। बुजुर्ग नेता शरद पवार ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर प्रदेश में सियासी हलचल एक बार फिर से बढ़ा दी है। हालांकि सियासी उठापटक की जगह इस मुलाकात की वजह जनता से जुड़े मुद्दों को बताया गया। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा मराठा आरक्षण बताया गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव से पहले दो जातियों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के विषय में चर्चा की गई। आरक्षण को लेकर दोनों नेताओं के बीच अलग से चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शरद पवार को इस बात से अवगत कराया कि अब तक राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर क्या क्या प्रयास किए हैं, मराठा आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कौन कौन से काम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि मराठा आरक्षण के विषय पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अगले कुछ दिनों में सर्वदलीय बैठक का आयोजन कर सकते हैं। इसके लिए वो सभी दलों को चर्चा के लिए न्योता भेजेंगे। सीएम शिंदे ने शरद पवार को इस बात का आश्वासन दिया है। दूसरी ओर आरक्षण के मुद्दे पर शरद पवार और सीएम एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर कांग्रेस असहज नजर आई। कांग्रेस इस मसले पर ज्यादा कुछ बोलने से बचने की कोशिश में लगी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि शरद पवार बड़े नेता हैं, वो सीएम से मिल सकते हैं, और इस मुलाकात पर कांग्रेस क्या बोलेगी हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।